उस्मान साहब, काइफ की खवातीन ने इसे बहुत प्यार से और समझदारी के साथ तैयार किया है आपके लिए। उन सबका शुक्रिया। कैसा लगा बोरान? मेरे हुजूर, ये निशान कैसा है? ये काइयों का नया झंडा है। हिलाल और ये तीर निजामे आलम का निशान है। इससे तुर्कों की जंगी हिकमत अमली वाजे होती है। फिर से उठ खड़े होने का निशान है और उस नई रियासत का पूरे जहान के लिए एक ऐलान है। हुजूर, आप सलामत रहें। अल्लाह आपको फतह नसीब करे इंशाल्लाह। अल्लाह हमारी सल्तनत को पूरी दुनिया में फैलाए, हमारी रियासत हमेशा आबाद रहे इंशाल्लाह। बलूचा हिसार की गाजी आइगुल खातून अब से अनातोलिया की खातीन की सरदार है। अल्लाह कामयाब करे। आमीन। उस्मान साहब, आपने इस काबिल समझा, ये मेरे लिए खुशी का बाइस है। आपने जिम्मेदारी दी मुझे, ये गुरूर है मेरा। आपको जब भी हमारी जरूरत होगी, हम आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। शेरनियों की तरह झपटेंगे दुश्मन पर, कबीले का नाम रोशन करेंगे। शुक्रिया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके मुंतजर है। सिर्फ हौसला और बहादुरी काफी नहीं, इस फर्ज के लिए होशियार रहना होगा, हर वक्त चौकन्ना रहना होगा, एक दूसरे की हिफाजत करनी और हरगिज हरगिज कोई गलती ना होने पाए। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं उस्मान साहब। बोरान, तुम्हें निगरान की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जो आपका हुक्म सरदार। गेंजे, तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि अनाकोल में तुम दाखिल हो गए। जैसा आप कहें हुजूर। निकोला सरदारों के साथ दावतें उड़ा रहा है। उसने हमारे साथ जंग के लिए ईसाई सरदारों को जमा कर रखा है। बेवकूफ है वो, आपके ही हाथों से अंजाम को पहुंचेगा। वो अपनी हरकतों से कभी पास नहीं आएंगे। हम अंदर कैसे जाएंगे? सारी सल्तनत के बारे में जानते हो क्या? सरदार, तमाम जंगजू ही सारी सल्तनत के बारे में जानते हैं। दुश्मन के ऐन बीच में घुसने के लिए जो कर सकते हो वो करना, जो कुछ भी जरूरी हो कर गुजरना। सिपाहियों, आप सबको जो चाल चलनी है खुद चले, अपने तरीके से फतह हासिल करें। याद रखो, फतह उसी की होती है जो हार कभी नहीं मानता। आने वाले वक्त में जब हमारा लश्कर बढ़ जाएगा तो पढ़ी लिखी तजुर्बेकार कयादत भी होगी, तो इसलिए यह जिम्मेदारी आप सबकी है। जो चाहो करो, इजाजत है, बस मुझे किसी कदम पे मायूस मत करना।